ग्रेविटी में हमने पढ़ा था फोर्स ऑफ अट्रेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास यहां पे सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है और कोई फर्क नहीं है सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दम सो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्टेंस बिटवीन दम यहां जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोशनलिटी है वो के है के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी ओवर इ के हैज डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट मीडियम अलग अलग मीडियम में के की अलग अलग वैल्यूज होती है पानी में अलग केरोसिन में अलग वैक्यूम में अलग वैक्यूम में के की वैल्यू है नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर और यह वैल्यू आपको बाय हार्ड रखनी है दैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी इज नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन इन वैक्यूम ओके दिस इज कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म फोर्स का मैग्निट्यूड मिल जाता है इसकी इस मदद से वो जो के था जिसकी वैल्यू थी नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन बहुत सारी पुरानी टेक्स्ट बुक्स में के की जगह आपको वन अपॉन फोर पाई एप्सिलन नॉट भी मिलेगा वेर एप्सिलन नॉट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलन नॉट की वैल्यू होती है एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू द माइनस ट्वेल्व एब्सोल्यूट नॉट की वैल्यू भी आपको याद रखनी है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा फिलहाल के लिए आप सिर्फ इसे याद कीजिए बाद में आपको पता चलेगा कि ये परमिटिविटी का रियल मतलब क्या होता है अब हम देखते हैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में सपोज ये चार्ज Q1 है ये चार्ज Q2 है और उनके बीच में डिस्टेंस है R। सपोज ये ओरिजिन जीरो कॉम जीरो दिस इज दरिजिन दिस लाइन इज द पोजिशन ऑफ चार्ज क्यू वन सो वॉट इज आर वन वेक्टर आर वन वेक्टर इज शोइंग द पोजिशन ऑफ क्यू वन सो आर वन वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू वन सिमिलरली दिस इज आर टू वेक्टर वॉट इज आर टू वेक्टर आर टू वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू टू ओके इसको आर वेक्टर बोल देता है सो आर वेक्टर को यहां से यहां बता देते हैं दिस इज आर वेक्टर सो वॉट इज बाय ट्राइंगल लॉ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हमने ग्यारहवीं में सीखा था आर वन वेक्टर प्लस आर वेक्टर ज गिविंग यू आर टू वेक्टर वट इज दिस आर वेक्टर आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर तो इस आर वेक्टर को आर टू माइनस आर वन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं आर टू वन तो कई जगह पे इस आर वेक्टर को आर टू वन वेक्टर भी लिखा हुआ दिखाते हैं ओके सो दिस इज आर टू वन वेक्टर ये वेक्टर है आर टू वन अब आप देख सकते हो क्यू टू पे फोर्स यहां लगेगा क्यू वन क्यू टू को रिपेल करेगा क्यों रिपेल करेगा भाई दोनों पॉजिटिव है क्यू वन क्यू टू को यहां रिपेल करेगा सो दिस इज द फोर्स ऑन क्यू टू सो द फोर्स ऑन Q2 टू इज गिवन बाय के क्यू वन Q2 टू r आर और ये किसके डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ r21 वेक्टर r21 वेक्टर के डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर दिस इज यूनिट वेक्टर ओके यूनिट वेक्टर का यूज किया है मैंने क्योंकि यूनिट वेक्टर डिनोट डायरेक्शन तो ये हो गया वैक्टर फॉर्म द फोर्स ऑन क्यू टू इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर टू वन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड तो द फोर्स ऑन क्यू टू इज के क्यू वन क्यू टू बाय आर क्यूब एंड वेक्टर आर टू वन के साथ है ये ओके सिमिलरली फोर्थ ऑन क्यू वन निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं द फोर्थ ऑन क्यू वन विल बी यहां पे लिख देता हूं क्यू टू क्यू वन को यहां पुश करेगा करेक्ट ना इस तरफ तो द फोर्थ ऑन क्यू वन इज के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वा आर टू वन की डायरेक्शन इधर है देखो ये आर टू वन इसकी डायरेक्शन इधर है लेकिन इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है सो इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ आर टू वन यानी कि जितना फोर्स क्यू टू पे लगता है उतना ही फोर्स क्यू वन पे लगता है पर अगर एक आर टू वन की डायरेक्शन में तो दूसरा आर टू वन के उल्टे डायरेक्शन में सो द फोर्स ऑन क्यू टू इज नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन क्यू वन दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो यह वेक्टर फॉर्म है हालांकि इसका यूज हम बहुत कम करेंगे लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स ऑफ रिपल्शन का या अट्रैक्शन का फॉर्मूला देर आर टू चार्जेस नाइन कूलम एंड सिक्सटीन कूलम। बोथ आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर फ्रॉम ईच अदर एट वट डिस्टेंस शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट एनी फोर्स तो हमारे पास दो चार्जेस हैं। 9 कूलम एंड सिक्सटीन कूलम इन दोनों के बीच का जो गैप है ट्वेंटी फाइव मीटर है यहां पे एक चार्ज रख दिया Q और इसको कोई फोर्स फील नहीं हो रहा तो ये डिस्टेंस क्या है ये कितने कहां रखा है ये Q ये हमें पता लगा तो मान लेते हैं क्यू पॉजिटिव है आपकी मर्जी आप क्यों को नेगेटिव भी मान सकते हो मैं पॉजिटिव मान रहा हूं मान लेते हैं क्यू पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो क्यू के ऊपर फोर्स यहां लगेगा इसको मैं ऐसा लिखूंगा दिस इज द फोर्स ऑन क्यू दिस इज द फोर्स ऑन क्यू बिकॉज ऑफ नाइन कूलम करेक्ट ये भी पॉजिटिव इसको पॉजिटिव मान लिया तो ये पॉजिटिव इसको यहां रिपेल करेगा दिस इज द फोर्स ऑन क्यू बिकॉज ऑफ नाइन कूलम अब इन दोनों को देखते हैं सिक्सटीन कूलम भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ये इसको यहां रिपेल करेगा तो दिस इज द फोर्स ऑन q बिकॉज ऑफ सिक्सटीन कूलम अब क्वेश्चन में लिखा है कि q के ऊपर कोई फोर्स नहीं है इसका मतलब जो दोनों फोर्स है ये इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए देर फोर फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू सिक्सटीन कूलम शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू नाइन कूलम इसका फॉर्मूला है के क्यू वन क्यू टू अपॉन लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स तो ये बचा हुआ डिस्टेंस 25 माइनस एक्स क्योंकि ट्वेंटी फाइव मीटर है, है ना ये डिस्टेंस तो है एक्स तो ये ट्वेंटी फाइव मीटर एक्स तो 16 से कितना दूर है भाई 25 फाइव माइनस एक्स के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वा टू के क्यू वन क्यू टू बाय एक्स स्क्वा नेक्स्ट स्टेप है स्क्वेर रूट ले लो तो फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू थ्री अपॉन एक्स तो फोर एक्स इक्वल टू सेवेंटी फाइव माइनस थ्री एक्स देर फोर एक्स इक्वल टू सेवेंटी फाइव बाई सेवन मीटर तो सेवेंटी फाइव बाय सेवन मीटर पे अगर ये रहा तो इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है देखने में सेम लगता है पर ट्रिकी है दो चार्जेस हैं, माइनस नाइन कूलम और प्लस सिक्सटीन कूलम दोनों को ट्वेल्व मीटर के डिस्टेंस पे रखा तीसरा चार्ज कहां रखना चाहिए सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक फर्क है पिछले क्वेश्चन में ये जो दोनों चार्जेस थे दोनों पॉजिटिव थे इस क्वेश्चन में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है तो यहां पे एक नाइन कूलम का चार्ज है जो नेगेटिव है माइनस नाइन कूलम है और यहां पे सिक्सटीन कूलम का चार्ज है ओके okay? मान लेते हैं जो तीसरा चार्ज हम रख रहे हैं वो पॉजिटिव है और यहां मैंने तीसरा चार्ज रख दिया अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है इस क्यू को नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा सो दिस इज Q बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव नाइन कूलम प्लस सिक्सटीन कूलम इस क्यू को रिपेल कर देगा दिस इज Q बिकॉज ऑफ सिक्सटीन कूलम अब आप बताइए क्या ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा क्या ये जीरो फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएगा नहीं कर पाएगा दो लोग अगर इधर खींच रहे हैं, तो क्यों इधर चला जाएगा इसका मतलब है इस क्वेश्चन में आप तीसरे चार्ज को इन दोनों के बीच में नहीं रख सकते तो ये अप्रोच काम नहीं करेगा दिस अप्रोच विल नॉट वर्क सी दिस दूसरा अप्रोच दूसरे अप्रोच में मैं इस क्यू को यहां रख देता हूं सोलह के पास सिक्सटीन वाले के पास प्लस क्यू को सिक्सटीन वाले के पास रख दिया अब देखते हैं क्या होगा सिक्सटीन कूलम इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा दिस इज फोर्स ऑन ऑन क्यू बिकॉज ऑफ सिक्सटीन कूलम और ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा क्यों रिपल्शन स्ट्रॉन्ग क्यों होगा एक तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है ऊपर से सिक्सटीन कूलम बड़ा चार्ज है इसके में। अब ये जो नाइन कूलम है ये इस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा नाइन नेगेटिव है ना क्यू पॉजिटिव है क्यू को अट्रैक्ट करेगा सो दिस इज फोर्स ऑन क्यू बिकॉज ऑफ नाइन कूलम लेकिन ये एक वीक फोर्स है क्यों वीक क्योंकि एक तो गैप बहुत ज्यादा है इन दोनों के बीच में दूसरा ये नाइन सोलह के सामने छोटा है तो क्या ये जीरो फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएगा स्ट्रांग आदमी इधर खींच रहा है वीक आदमी इधर लेके जा रहा है क्या जीरो फोर्स होगा नहीं सो व्हाट इज द स्ट्रेटजी? द स्ट्रेटजी इज दिस जो थर्ड चार्ज है उसे यहां रखो तो क्या स्ट्रेटेजी है जब दो चार्जेस होंगे एक प्लस और एक माइनस तो हमारे पास दो चार्ज है, एक प्लस और एक माइनस तो जो तीसरा चार्ज हमें रखना है वो छोटे वाले के पास रखना है नौ छोटा है या सोलह छोटा है नौ छोटा है सर नौ नेगेटिव है इसीलिए छोटा है क्या बिल्कुल नहीं यहां पे नौ छोटा है क्योंकि नौ नंबर छोटा होता है नेगेटिव पॉजिटिव नहीं चेक करना नाउ छोटा है क्या हाँ छोटा है तो तीसरे चार्ज को छोटे चार्ज के पास में रखना है लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं इस तरफ रखना है ओके नाउ लेट दिस डिस्टेंस तो ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये इनके बीच में ट्वेल्व मीटर है तो दिस डिस्टेंस विल बिकम ट्वेल्व प्लस एक्स ना डी डू दिस क्वेश्चन अब इन दोनों में ये डायग्राम फिर से आपको बना के देता हूं तो so, यहां पे नाइन कूलम, यहां पे सिक्सटीन कूलम, यहां पे क्यू ये डिस्टेंस एक्स और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ट्वेल्व प्लस एक्स ये नाइन कूलम इसको इधर खींचेगा दिस इज द फोर्थ ऑन क्यू बिकॉज ऑफ नाइन कूलम ये सिक्सटीन कुलम इसको रिपेल करेगा देखो दोनों प्लस है सिक्सटीन कुलम इसको दूर फेंक देगा दिस इज फोर्थ ऑन क्यू बिकॉज ऑफ सिक्सटीन अगर ये दो इक्वल हो गए तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो तो बिकॉज़ ऑफ नाइन शुड बी इक्वल टू एफ क्यू बिकॉज ऑफ सिक्सटीन के क्यू वन क्यू टू अपॉन नाइन और इसके बीच में एक्स का डिस्टेंस है के क्यू वन क्यू टू अपॉन ट्वेल्व प्लस एक्स का डिस्टेंस है यहां पे बच्चे बोलते हैं सर ये नाइन कुलम का नेगेटिव नहीं लेना चाहिए यहां पे कोई जरूरत नेगेटिव लेने की क्यों क्योंकि आप उस नेगेटिव का असर ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो ओके क्यू के क्यू गया स्क्वायर रूट लूंगा तो थ्री बाई एक्स इक्वल टू फोर बाई टक्स देर फोर थर्टी सिक्स प्लस थ्री एक्स इक्वल टू फोर एक्स सो एक्स इक्वल टू थर्टी सिक्स मीटर इज दू को नाइन कुलम से थर्टी सिक्स मीटर इस तरफ रखना है ओके okay? इन तीनों में से किसी भी एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है सो यार वी हैव थ्री चार्जेस मैं इसको कंसिडर करूंगा इसके ऊपर फोर्स निकालूंगा ये वाला क्यू इस क्यू को यहां रिपेल करेगा और ये फोर्स होगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर ये वाला क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों प्लस है तो ये हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर आप देख सकते हो दोनों फोर्स इक्वल है और ये इक्वलैट्रल ट्राइंगल है मतलब यहां पे 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है अगर दो सेम वेक्टर है जिनके बीच में 60 डिग्री है तो शॉर्ट तो शॉर्टकट क्या बोलता है आंसर होगा रूट थ्री टाइम अगर ये शॉर्टकट याद नहीं है तो आप यूज कर सकते हो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस टू इन दिस प्लस दिस cos 60। कॉस सिक्सटी वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो तो दिस वॉज एन न्यूमेरिकल द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस ए पे फोर्स निकालना है और फोर्स निकालना है वेक्टर फॉर्म में लेटस सी कैसे करते हैं क्वेश्चन तो ये है वो तीन चार्जेस आर आर अगर ये आर है ये आर है बाई पाइट थ्योरम ये रूट टू आर हो जाएगा ओके okay. अब ये वाला क्यू इसको रिपेल करेगा तो यहां पे एक फोर्स लग गया ये फोर्स होगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर सिमिलरली ये वाला क्यू इसको रिपेल करेगा तो यहां एक और फोर्स लग गया के क्यू वन क्यू टू बाय रूट टू आर द होल स्क्वायर मतलब टू आर स्क्वायर अब ये दोनों साइड्स इक्वल है मतलब ये फोर्टी फाइव डिग्री होगा और ये फोर्टी फाइव डिग्री होगा एक्सोचलिसंगल फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री नाइन्टी डिग्री तो ये भी फोर्टी फाइव डिग्री होगा अब इसको हम ब्रेक करेंगे इसके दो टुकड़े हो जाएंगे एक ऊपर और एक इधर तो जो नेट फोर्स है वो होगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इन जे कैप प्लस ये वाला कंपोनेंट ये कंपोनेंट कितना है के क्यू स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर अब ये फोर्टी फाइव है तो ये भी फोर्टी फाइव है कॉस फोर्टी फाइव इन जे कैप प्लस ये है के क्यू स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर साइन फोर्टी फाइव इन माइनस आई कैप सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट दी आंसर के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इसके पास बचेगा वन प्लस कॉस फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू होता है वन प्लस वन बाय टू रूट टू इन जे कैप माइनस के स्क्वायर बाय साइन फोर्टी फाइव मतलब रूट टू आर स्कोयर इन आई कैप सो दिस विल बी द फाइनल आंसर दिस इज द नेट फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसी के ऊपर भी फोर्स निकालना है हमें मैं इसके ऊपर फोर्स निकालूंगा फिर से ड्रॉ कर देता हूं तो ये वाला इसके ऊपर यहां फोर्स लगाएगा ये फोर्स बनेगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये वाला इसके ऊपर यहां फोर्स लगाएगा अब ये दोनों देखो ये दोनों इक्वल है और एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट रूट टू टाइम्स हो जाता है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रूट टू टाइम्स है और वो यहां बनेगा बराबर बीचो बीच ऐसा तो इसकी वैल्यू है रूट टू टाइम्स के क्यू स्क्वायेर बाय आर स्क्वायर लेकिन इसका इसके ऊपर इफेक्ट देखना बाकी है ये इसको यहां पुश करेगा करेक्ट ये वाला चार्ज इसको यहां पुश करेगा और ये वाला जो फोर्स है इसकी वैल्यू है के क्यू स्क् डिस्टेंस रूट टू आर है आर आर ये रूट टू आर अपॉन टू आर स्क्वायर तो ये फोर्स प्लस ये फोर्स ये है नेट फोर्स तो द नेट फोर्स इज रूट टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायेर बाय टू आर स्क्वायर दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इस वन कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकालना है तो ठीक है हम निकालते हैं द फोर्स ऑन वन कूलम बिकॉज ऑफ फोर कूलम द फोर्स ऑन वन कूलम बिकॉज ऑफ फोर कूलम इज गिवन बाय के क्यू वन टू अपॉन डिस्टेंस है वन स्क्वे और यह फोर कूलम इस वन कूलम को ऊपर धक्का देगा तो मैं जे कैप लिखूंगा सिमिलरली टू कुलम के ऊपर वन कुलम का फोर्स निकालते हैं फोर्स ऑन वन कूलम बिकॉज ऑफ टू कुलम यह टू कूलम इसको यहां धक्का मारेगा रिपेल करेंगे ना दोनों तो यह फोर्स हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन वन स्क्वेर इन विच डायरेक्शन माइनस आई कैप ओके अब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालते हैं, द फोर्स ऑन वन कोलम बिकॉज ऑफ थ्री कोलम इसके क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय यह डिस्टेंस रूट टू हो जाएगी रूट टू का स्क्वायर करोगे तो टू आएगा ओके okay? और ये डायरेक्शन कौन सी है इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है करेक्ट इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो मैं यहां पे डायरेक्शन नहीं लिखता पहले अब इसके टुकड़े करने पड़ेंगे ये थ्री के बाई टू हो गया ना ये फोर्स का वैल्यू थ्री के बाई टू तो ये जो फोर्स लग रहा है ये थ्री के बाई टू है अब इस थ्री के बाई टू के टुकड़े करने पड़ेंगे हमें पता है ये एंगल फोर्टी फाइव होता है ये एंगल भी फोर्टी फाइव निकलेगा तो ये हो जाएगा थ्री के बाय टू कॉस फोर्टी फाइव और ये हो जाएगा थ्री के बाई टू साइन फोर्टी फाइव तो जो ये जो फोर्स है इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे थ्री के बाई टू कॉस फोर्टी फाइव इन जे कैप कॉस फोर्टी फाइव को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन रूट टू इन जे कैप माइनस थ्री के बाय टू साइन फोर्टी फाइव आई कैप साइन फोर्टी फाइव वन अपॉन रूट टू इन आई कैप तो अब जो नेट फोर्स निकलेगा वो वेक्टर सम होगा तो जो नेट फोर्स है वो होगा आई कैप में क्या है टू के और थ्री के बाई टू रूट टू इन माइनस आई कैप करेक्ट माइनस आई कैप जे कैप में क्या है फोर के प्लस थ्री के बाय टू रूट टू सो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन वन कोलम चार्ज नेक्स्ट क्वेश्चन इन तीनों क्वेश्चंस में से ये जो बीच वाला क्यू है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है आंसर है जीरो मान लेते हैं ये क्यू पॉजिटिव है तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को यहां पुश करेगा ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को यहां पुश करेगा यह कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को यहां पे पुश करेगा तीनों साइड से इक्वल पुशिंग है तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो सिमिलरली ये क्यू इस क्यू को यहां पुश करेगा ये क्यू इस क्यू को यहां पुश करेगा ये क्यू इसको यहां पुश करेगा यहां पुश करेगा इसका भी नेट फोर्स जीरो यानी कि कोई भी रेगुलर शेप होता है ये रेगुलर शेप सा, सारे साइड इक्वल है सारे चार्जेस इक्वल है तो बीच में रखे हुए चार्ज के ऊपर नेट फोर्स होता है जीरो इस कंसेप्ट के ऊपर ये जो अगला कंसेप्ट है वो अगला क्वेश्चन है वो पेज है एक पेंटागन है पेंटागन के चार साइड्स पे चार्ज है और बीच में क्यू है इस क्यू के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है दो मिनट सोचिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक ये है मान लेते हैं ये चार चार्जेज ऐसे हैं यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है देर इज नो चार्ज ओवर यार तो मान लेते हैं यहां पे एक प्लस क्यू और माइनस क्यू है प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके जीरो बना देंगे देखो यहां पे जीरो है ना यहां पे भी जीरो है और बीच में छोटू क्यू ये ये पांचों क्यू इसके ऊपर कोई असर नहीं दिखाते हैं। हमने यहां पे ऊपर देखा है अगर सब कुछ सेम है देखो ये चारों सेम है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं तो इन पांचों का मिला के फोर्स जीरो तो बचा क्या ये क्यू और ये क्यू बचा ये माइनस क्यू और बीच का छोटू क्यू और इनके बीच का गैप देखो आर दिया है तो ये गैप आर है तो जो फोर्स लगेगा वो होगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर दिस इज द आंसर